Hi students, so today we are going to talk about the difference between central pool seats and CW seats for the defense personnel, wards and their widows. So सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेंट्रल पूल सीट्स का ओरिजिन कैसे हुआ और CW सीट्स का ओरिजिन कैसे हुआ। सेंट्रल पूल सीट्स बेसिकली डिफेंस पर्सनल के साथ साथ और बहुत सारे सिविलियंस के लिए भी हैं। ये सीट स्पेशल सीट्स हैं जो उन स्टेट्स और उन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल के लिए या उनके वार्ड्स के लिए अलॉटेड है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं या बहुत डिस्टर्बेंस है उनकी सर्विस में, जैसे कि इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस उसमें से एक एग्जाम्पल है। एंड CW सीट्स सिविलियंस के लिए नहीं है। ये सीट्स बेसिकली 5% ऑफ सुपर न्यूमररी सीट्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सीट्स जो हैं ओवर एंड अबव दी नॉर्मल सीट्स किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में होंगी और ये स्पेसिफिकली डिफेंस पर्सनल के वार्ड्स और उनकी वाइफ्स के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के वार्ड्स के लिए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए कैटेगरी 1 to 5 है, पुलिस पर्सनल के लिए भी है फॉर गैलेंट्री अवार्ड्स, एंड डिफेंस फोर्सेस के लिए इसमें एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूडेड हैं और वो डिफेंस सर्विस पर्सनल इंक्लूडेड हैं या तो उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला हो या फिर वो डिसेबल्ड हुए हों इधर इन एक्शन और इन द पीस एरिया। सो अब हम देखते हैं सेंट्रल पूल सीट्स किस किस डिपार्टमेंट के पास हैं और किस किस स्टेट, कौन से स्टेट्स को ये दी गई हैं। एंड उसके बाद मैं आपको CW सीट्स का कैटेगरी भी बताऊंगी, प्रायोरिटी भी बताऊंगी, किस प्रायोरिटी में आप इसका रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं। सो सेंट्रल पूल सीट्स ये सब स्टेट्स के पास हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। अब यहाँ के सिविल स्टूडेंट्स भी इस सीट का फायदा ले सकते हैं बिकॉज उनकी स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं या फिर बहुत कम नंबर में हैं। अब जो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिफेंस पर्सनल्स के वार्ड्स के लिए हैं ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पैरामिलिट्री पर्सनल के लिए है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में जो मिशन स्टाफ पोस्ट होता है इंडिया से बाहर उनके बच्चों के लिए हैं। सिमिलरली कैबिनेट सेक्रेटेरीज में जो रॉ में SSF, SPG और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में है उनके लिए है। MHRD मिनिस्ट्री में टिबेटियन रिफ्यूजीज के लिए है एंड इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में जो बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड मिलता है उनके लिए है। आज हम सिर्फ बात करेंगे डिफेंस पर्सनल के बच्चों के लिए। सो मेन डिफरेंस इसमें ये है स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप CW सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना CW कैटेगरी मेंशन करना होगा और ये आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा कॉलेज में जाकर। इसमें केंद्रीय सैनिक बोर्ड के थ्रू आपको नहीं जाना है CW सीट्स के लिए बिकॉज ये सीट्स 5% ओवर एंड अबव द एक्चुअल सीट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैं। ये 5% ये आप किसी के कोटा में से या किसी के शेयर में से ये सीट्स नहीं ले रहे हैं, ये ओवर एंड अबव 5% है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर ऑर्गेनाइजेशन या हर इंस्टीट्यूशन या हर कॉलेज आपको CW सीट्स नहीं देगा, वो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से चेक करना पड़ेगा कि CW रिजर्वेशन वहां पर है कि नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा, भले ही वो मेडिकल कॉलेज हो, वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो या वो नॉर्मल BA, BCom, BSc, MCom वाला कॉलेज हो, आपको वहाँ ये रिजर्वेशन मिलेगा। अब CW सीट्स की बात करें तो वो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या नॉर्मल ग्रेजुएशन BA, BCom, BSc के लिए नहीं है। ये मेजर डिफरेंस है और ये सीट्स आपको नीट एग्जाम लिखने के बाद आपको इसकी काउंसलिंग के लिए थ्रू केंद्रीय सैनिक बोर्ड ही अप्लाई करना पड़ेगा। और दोनों में सिमिलैरिटी ये है, जब भी सीट अलॉटमेंट होगा भले ही वो CW का अलॉटमेंट हो या वो सेंट्रल पूल सीट वाला अलॉटमेंट हो, वो आपको अलॉटमेंट प्रायोरिटी वाइज ही मिलेगा, इसमें परसेंटेज का कुछ नहीं है। सपोजिंग आपके नीट में 170 मार्क्स आते हैं और एक प्रायोरिटी 4 वाले स्टूडेंट के 600 मार्क्स आते हैं, CW कोटा में अगर आपकी प्रायोरिटी 1 है तो आपको 160 मार्क्स के साथ भी सीट मिलेगी, एंड अगर बाकी इसके बाद सीट्स बचेंगी फिर वो प्रायोरिटी 2, उसके बाद प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 और 5 को अलॉट होंगी। सो आपकी एक इंटरनल मेरिट बनती है। जितने भी स्टूडेंट CW के लिए और सेंट्रल पूल के लिए अप्लाई करेंगे उनका एक इंटरनल मेरिट बनेगा, और सबसे पहले दोनों केसेस में प्रायोरिटी 1 को सीट्स मिलेंगी, उसके बाद प्रायोरिटी 2 को मिलेगी और उसके बाद प्रायोरिटी 3 को मिलेगी। हाँ, इम्पोर्टेंट, अब आप बोलेंगे कि फिर मार्क्स ही क्यों लाने? मार्क्स इसलिए लाने हैं बिकॉज अगर प्रायोरिटी 10 में, एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, FMS का, जहाँ पे CW का 10 सीट्स है। अब इन 10 सीट्स के लिए सपोजिंग 15 प्रायोरिटी 1 के कैंडिडेट्स हैं, तो इन 15 में से जो टॉप 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको वो सीट्स पहले अलॉट होंगी, बाद में जो बैलेंस प्रायोरिटी 1 वाले 5 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, अगर कोई उसमें से अपना सीट वेकेट करता है तभी उन प्रायोरिटी 1 वालों को ये सीट्स मिलेंगी। सो इसलिए मार्क्स लाना भी इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस बिकॉज ये सीट्स जो है वो आपके पेरेंट्स के सेक्रीफाइस से आपको मिली हैं, जिसके लिए योर फादर और योर मदर दे हैव ईदर गॉटन डिसेबल्ड या उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। So I hope I have made myself clear. Please keep sharing and liking the video for the benefit of other students also, so that बाकी लोगों का भी भला हो सके.